अपने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कसरावद में विधायक सचिन यादव को ज्ञापन सौंपा है। विकास खंड कसरावद में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बुधवार को कसरावद के विधायक सचिन यादव से स्थानीय सर्किट हाउस पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण के साथ ही विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है। यादव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आश्वस्त किया है कि मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। आपकी इन समस्याओं का निराकरण करने हेतु सड़क से विधानसभा तक आवाज उठाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। विधायक जी को जो ज्ञापन दिया वो किस संदर्भ में? आज विधायक महोदय जी को हमने हमारी समस्याओं के जो तीन मांगे हैं उनके संबंध में ज्ञापन दिया है। पहली तो ये है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित करें, और दूसरी ये है कि मिनी कार्यकर्ता बहनों को मेन कार्यकर्ता में समायोजित करें, और तीसरी ये है कि जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता न्यूनतम वेतन 21,000 कार्यकर्ताओं को और 12,000 सहायिकाओं को दिया जाए, क्योंकि 10,000 के मानदेय में कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपना घर नहीं चला सकती इस महंगाई के दौर में। अभी कितने माह से वेतन नहीं मिला हमको? दो दो तीन तीन महीने में वेतन मिलता है। हमेशा वेतन हमेशा ऐसे ही मिलता है? हाँ, वेतन हमेशा ऐसा ही मिलता है। क्या नाम है आपका? प्रमिला पाटीदार। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे थी और सरकार से आप भी क्या जोर दे के मांगना चाहते हैं? देखिए, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में है, और इन 18 सालों में जिस प्रकार से जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन शासकीय कार्यकर्ताओं का सिर्फ खून चूसने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में किया है। उनके उन्नति, उनके विकास, उनकी तरक्की के लिए, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे हो, इसकी चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी नहीं रही। और इसी का परिणाम है कि चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग का कर्मचारी जो है आज सरकार से खफा होकर, सरकार से नाराज होकर के आज कहीं ना कहीं उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसको हड़ताल करनी पड़ रही है, उसको आंदोलन करना पड़ रहा है। और आज उसी क्रम में हमारी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, जो बहनें हैं, जो ज़मीनी रूप पर सरकार के संदेश का को जन जन तक असली काम जो है वो करती है, योजनाओं को का संदेश जो है, सरकार का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं, ऐसी बहनें आज आंदोलनरत हैं, और उनकी जो मांगे हैं, उनकी नियमितीकरण की मांगे, उनकी मानदेय बढ़ाने की मांगे हैं, उनके जो तमाम मांगे हैं वो उनका ज्ञापन आज तमाम बहनों ने हमको सौंपा है। और हम लोग जो आगामी विधानसभा हमारा जो आ रहा है, उस विधानसभा में हम लोग इसको इस मुद्दे को उठाने का काम लोग करेंगे। वैसे आम मजदूर की दाढ़ की दिहाड़ी भी 400 रुपये है, और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मानदेय 5,700 समथिंग कुछ है, तो उसमें सरकार से आप विशेष मांग करेंगे क्या, क्योंकि मजदूर से भी कम मजदूरी मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी बहनें इतनी ईमानदारी से, इतनी निष्ठा से और इतनी कर्मठता से जो है काम करती हैं, और आज जिस प्रकार से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, आज जो मानदेय हमारी बहनों को मिल रहा है उसमें उनका परिवार का पालन पोषण होना दूर की बात है। आज उनकी स्थिति तो एक मजदूर जो है उस मजदूर से भी गई भी थी उनकी स्थिति बहनों की। तो निश्चित रूप से एक ये अहम और बड़ा मुद्दा है, इस बड़े मुद्दे को हम लोग और हमारे तमाम साथी आगामी विधानसभा में हम लोग उठाने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।